दहिसर में हुई फायरिंग, लूट और हत्या की गुत्थी सुलझी, महज 8 से 10 घंटों के भीतर ही लुटेरे चढ़े पुलिस के हाथ थे। पूरा मामला इस प्रकार है कि कल दोपहर 3:30 बजे के आसपास दहिसर पश्चिम स्थित SBI बैंक में दो लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मिली जानकारी अनुसार लुटेरों ने पहले बैंक के भीतर घुसकर फायरिंग की तथा एक 25 वर्षीय व्यक्ति जिसका नाम संदेश गोबरे बताया जा रहा था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे बैंक में दहशत का माहौल फैल गया, जिसके चलते लुटेरों ने बंदूक की नोक पर बैंक से करीब 2.5 लाख रुपए लूटे और फिर वहां से फरार हो गए। जैसा कि आप CCTV फुटेज में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से लुटेरे बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। शुरुआती जांच में पुलिस को यह पता चला कि लुटेरे पैदल ही आए थे और लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से पैदल ही फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने इलाके की छानबीन शुरू की। छानबीन के दौरान पुलिस को आरोपियों का एक चप्पल बैंक से कुछ ही दूरी पर गिरा हुआ मिला। चूंकि लुटेरे पैदल ही आए थे, इससे पुलिस को संदेह हो गया कि यह चप्पल लुटेरों में से किसी का हो सकता है और इस तरह पुलिस को अपना पहला कॉन्क्रीट क्लू मिला, जिसके बाद पुलिस ने अपने पुलिस डॉग की मदद से दहिसर ईस्ट के इलाके में पहुंचने में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद दहिसर ईस्ट के उस इलाके के CCTV फुटेज को खंगालना शुरू किया और फुटेज की मदद से दोनों आरोपियों को देर रात धर दबोचा। पुलिस अनुसार दोनों आरोपियों में से एक आरोपी 16 वर्षीय नाबालिग है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।